सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इसरो की तरफ से है। इसरो के चीफ के सिवन जी ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि आने वाले 5 से 7 सालों में इसरो अपनी खुद की स्पेस स्टेशन को लॉन्च करने वाला है। ये हमारा गगनयान प्रोग्राम का एक एक्सटेंशन प्रोग्राम होने वाला है और हमारी स्पेस स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के मुकाबले साइज में काफी छोटा होने वाला है और ये बस 120 किलोमीटर से 140 किलोमीटर की दायरे में ही धरती का चक्कर लगाने वाला है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें तो इसे जॉइंटली यूनाइटेड स्टेट, रशिया, यूरोप, जापान और कनाडा के द्वारा ऑपरेट किया जाता है और ये पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर के ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। इसरो अभी अपनी स्पेस स्टेशन प्रोग्राम पर काम कर रही है, जो कि एक मॉड्यूलर डिजाइन होने वाली है और इसका वजन करीब 20 टन तक होने वाला है, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट रह सकते हैं। इसरो का कहना है कि पूरा मिशन गगनयान मिशन के ऊपर डिपेंड करता है और अभी इसरो डॉकिंग टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, जो कि स्पेस स्टेशन को बनाने में और ऑपरेट करने में काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है। इस मिशन में प्राइवेट कंपनियों को भी शामिल किया जा रहा है और अगले साल तक इसरो अपनी पहली डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को करने वाली है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके है। आप सबको पता होगा कि हमारी पहली इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर को अभी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया जा रहा है और अभी अपडेट के मुताबिक कोचिन शिपयार्ड और गवर्नमेंट के बीच INS विक्रांत की कंस्ट्रक्शन को लेके Phase-3 कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया है। इस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत करीब 3,000 करोड़ की है और इसे डिफेंस मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी निधि छिबर और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के डायरेक्टर सुरेश प्रभु जी के भी साइन किया गया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर INS विक्रांत में लगे सारे ऑनबोर्ड इक्विपमेंट का हार्बर और सी ट्रायल को कंडक्ट किया जाएगा और साथ ही डिलीवरी के बाद भी इनकी वेपन ट्रायल और एविएशन ट्रायल को भी कंडक्ट किया जाएगा। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। कुछ दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि HAL की बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट HTT-40 ने अपने सारे क्रिटिकल ट्रायल को पूरा कर लिया है, जिसमें स्टॉल और स्पिन ट्रायल भी शामिल था। HAL की तरफ से ऑफिशियली ये बात बता दिया गया था कि HTT-40 ने सारे प्रिलिमिनरी सर्विस क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट को क्लियर कर दिया है और इसी साल के अंत तक इसे इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिल जाएगा, जिसके बाद 2020 में इसकी लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन को शुरू किया जा सकता है। लेकिन पहले हमको ये उम्मीद नहीं था कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इतनी जल्दी से एयरक्राफ्ट के लिए ऑर्डर प्लेस किया जाएगा। हालांकि पहले ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इन एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए वादा किया गया था, लेकिन आप सबको पता होगा कि प्लैटस की PC-7 Mark II ट्रेनर एयरक्राफ्ट की डील में की गई घोटाले की वजह से इंडियन एयरफोर्स को बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की कमी पड़ रही है और जो एडिशनल 36 PC-7 एयरक्राफ्ट को खरीदा जाने वाला था वो कैंसिल हो गया है। फिलहाल के लिए गवर्नमेंट की तरफ से अपनी PC-7 एयरक्राफ्ट को एयर ओटी रखने के लिए प्लैटस के साथ एक सपोर्ट अग्रीमेंट को साइन किया जा रहा है, लेकिन हम और एयरक्राफ्ट को उनसे नहीं खरीदने वाले हैं। जिस वजह से इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने हाल ही में एक स्टेटमेंट में बताया है कि इंडियन एयरफोर्स की अर्जेंट रिक्वायरमेंट को नजर में रखते हुए वो HAL के साथ HTT-40 एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए बातचीत करने वाले हैं और वो करीब 70 एयरक्राफ्ट को फास्ट ट्रैक मोड में खरीदने वाले हैं। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। इंडियन आर्मी की तरफ से बताया गया कि अप्रैल 2020 के बाद से इंडियन आर्मी में परमानेंट कमीशन के अंदर भी महिलाओं को शामिल किया जाएगा और इसके अंदर अलग अलग स्पेशल स्ट्रीम को रखा जाएगा जिनको वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके की टोटल 6 स्ट्रीम रहेंगे, जिसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और लैंग्वेज एक्सपर्ट शामिल है। इससे पहले सिर्फ आर्मी एजुकेशन कॉर्प और जज एडवोकेट जनरल के कैटेगरी में ही सिर्फ महिलाओं को परमानेंट कमीशन दिया जाता था। कुछ दिन पहले भी अपडेट आया था कि सिग्नल्स, आर्मी एविएशन इंजीनियर्स, आर्मी एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स, आर्मी सर्विस कॉर्प, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के अंदर महिलाओं को परमानेंट कमीशन के अंदर शामिल किया जाएगा। अगला अपडेट सिंगापुर एयरफोर्स की तरफ से है। तो सिंगापुर एयरफोर्स की 6 F-16 और 1 C-130 विमान को आज पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट में इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा है और ये जो एयरपोर्ट है ये इंडियन नेवी की एक एयरबेस है जिसका नाम INS उत्क्रोश है। हालांकि अभी तक हमारी अंडमान और निकोबार कमांड की तरफ से इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं दिया गया है, लेकिन इतना बताया जा रहा है कि ये जो एयरक्राफ्ट थे ये कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन जा रहे थे, जहां पर इंडियन एयरफोर्स और सिंगापुर एयरफोर्स के बीच एक जॉइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन इसी बीच सिंगापुर की F-16 विमान में फ्यूल की कमी पड़ गई थी और उनको पोर्ट ब्लेयर में इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा है। सारे एयरक्राफ्ट अभी सही सलामत है और उनको वहां पर रिफ्यूल करने के बाद कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन के लिए रवाना किया जाएगा।
लेकिन अभी के लिए शायद उनको एक दिन के लिए वहां पर रहना पड़ेगा क्योंकि वेदर वहां पर थोड़ी सी खराब चल रही है, जिस वजह से उनको टेक ऑफ के लिए परमिशन नहीं दिया जा रहा है। जाते जाते एक आखिरी अपडेट के ऊपर बात करते हैं जो कि एक दुखद अपडेट है, क्योंकि आज महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हमारी एक T-90 टैंक की बैरल फटने की वजह से हमारा एक जवान शहीद हो गया है। बताया जा रहा है कि ये एक रूटीन एक्सरसाइज था जिस दौरान T-90 टैंक का बैरल फट गया था। इस हादसे की वजह क्या थी ये बात जानने के लिए अभी डिटेल छानबीन किया जा रहा है और इस पर ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल के लिए ये जो जान चली गई है ये वो वापस नहीं आने वाली है और ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा लॉस है, क्योंकि फटे हुए बैरल की जगह पर हम एक नया बैरल लगा सकते हैं और उस जवान की जगह पर हम आगे चल के किसी दूसरे को रिक्रूट कर सकते हैं, लेकिन उसके घर वालों को हम दूसरा बेटा नहीं दे सकते हैं। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और कमेंट कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।